अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपका वेलकम। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और दोस्तों सियालकोट से नील फैरी, कोटली और गंगा चोटी वगैरह के टूर में ये हमारा तीसरा दिन है। अभी हमने विज़िट किया है नील फैरी मेडोज़ और नील फैरी लेक। तो ये पीछे आप देख सकते हैं नील फैरी लेक है, तो इसके मनाजर अगर आपने देखने हो तो मेरी सबका वीडियोज़ जो मैंने अपलोड की हैं उनको विज़िट करें। अभी इस जगह से मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सारी चढ़ाई करते हुए, हाइकिंग करते हुए आगे एक टॉप है किरण टॉप, तो किरण टॉप पे जा रहे हैं। वहाँ के मनाजर बहुत ही खूबसूरत हैं और एक मुकामी भाई बता रहे थे कि वहाँ से आपको उड़ी सेक्टर और जम्मू कश्मीर की आबादी नज़र आती है। तो अभी चलते हैं, हाइकिंग करते हैं वहाँ पर। तो मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखते रहें और चलते हैं, आपको दिखाते हैं मनाजर भी। इन पहाड़ों पे आपको ये इस तरह के खूबसूरत छोटे छोटे से फूल जो ग्राउंड में हैं वो देखने को मिलते हैं, जो आपके टूर के लुत्फ को दुबला करते हैं। नील फैरी लेक की वीडियो में इस झील को मैंने मुकम्मल इसकी डिटेल बयान किया और इसको मतलब एक बड़ी बेहतरीन वीडियो अपलोड किया। तो यहाँ पे देखें ये टॉप से कितने खूबसूरत नज़र है। नील फैरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे साहब का वीडियो को ज़रूर विज़िट करें। कश्मीर जन्नत नज़ीर मशहूर है, हिंदू इसको ज़मीन का सर और आँख कहते हैं और नहायत मतबरक जानते हैं। तारीख़ कश्मीर में एक शायर के अल्फाज कुछ यूं दर्ज हैं कि बगैर तकलीफ़ उठाए जन्नत में जाना मुश्किल है, बाग की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता कश्मीर में नहीं है। एक तरफ सर बफलक पहाड़, दूसरी तरफ बेतहा गहराई। जहांगीर बादशाह लिखता है कि कश्मीर एक बाग है, सदाबहार किला आहनी हिसार, बादशाहों के लिए गुलशन फरहत अफजा, दरवेशों के लिए खलवत कदा, दिलकशा चमन खुश आबशार दिलकश। तारीख में यह भी मिलता है कि जब जहांगीर की वफात का वक्त आया और इससे इसकी ख्वाहिश पूछी गई तो जहांगीर ने हसरत भरी आवाज में कहा कि कश्मीर के सिवा कुछ नहीं। हर साल हजारों स्याह कश्मीर की इस खूबसूरत सरजमीन जिससे जन्नत नज़ीर कहा जाता है कि सैर व तफरीह के लिए आते हैं। जिला हवेली में नील फैरी के मुकाम पर आपको बहुत ज्यादा तफरीह के मौके मिलते हैं। आपके लिए कैंपिंग आसान है, कुकिंग करने में और इर्द गिर्द घूमने फिरने में कोई परेशानी का सामना नहीं। हम एक ही दिन में नील फैरी मेडोज, नील फैरी झील, किरण टॉप, चश्मा आबे शिफा, दना मेडोज के मनाजर से लुत्फानंदोज होकर जिला बाग की जानब चले गए। दोस्तों अपनी मसरूफियत बड़ी ज़िंदगी से कुछ दिन निकालकर हमें ऐसी जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की बनाई हुई अशिया का मुलाहिजा कर सकें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और अजीबो गरीब नज़ारों को देखकर अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर सकें। और इसके साथ साथ ऐसी खूबसूरत जगहों पर जाने से हमें ज़हनी और कल्बी सुकून भी मयसर होगा। Thank you.
नीलफेरी लेक से किरण टॉप की तरफ चलते हमें तकरीबन एक से डेढ़ घंटा तकरीबन हो गया और हम इस ट्रैक पर पैदल चल रहे हैं। बहुत ही मुश्किल ट्रैक है ये और मुसलसल चढ़ाई करते करते ऊपर आ रहे हैं। और यहाँ पे ये थोड़े से घर देखे हैं, बड़े वक्फे वक्फे से घर हैं, बड़ा अजीबो गरीब इनका तर्ज ज़िंदगी है। और नीचे अगर वह देखें वो दो घर एक साइड पे हैं, फिर बड़े बड़े वक्फे से घर हैं और वो टॉप है, टॉप पे सामने एक और टॉप है, वहाँ पे भी एक दो घर नज़र आ रहा है। इन लोगों का गुजर बसर सिर्फ यही है, इधर जानवर वगैरह पालते हैं और उन्हीं से ये अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद और बहुत ज़्यादा हाइकिंग करते हुए हम यहाँ पे किरण टॉप पर पहुँच चुके हैं। ये अभी मैं किरण टॉप पर ही बैठा हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं टॉप पे और यहाँ का असल में आए तो थे यहाँ का नज़ारा लेने। यहाँ से किसी ने बताया था कि उड़ी सेक्टर का भी और इस साइड से भी बहुत अच्छा मंज़र देखने को मिलता है ज़िला हवेली कोटा का, लेकिन अब बादल बन गए हैं और ये धुंध की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं, ये देखें नीचे से उड़ते हुए बादलों का बड़ा ही दिलफरेब मंज़र है।